हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार का विशेष महत्व है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है और इसकी तैयारियां धनतेरस से पहले ही शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि का त्यौहार मानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर आती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लक्ष्मी पूजन का शुभ समय की बात करें तो लक्ष्मी गणेश के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:54 से 8:16 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन की अवधि 1 घंटा 21 मिनट तक होगा। प्रदोष काल में शाम 5:42 से रात 8:16 तक रहेगा, जबकि वृषभ काल शाम 6:54 से रात 8:50 तक रहेगा। दिवाली लक्ष्मी पूजन सामग्री में शंख, कमल का फूल, गोमती चक्र, धनिया के दाने, कच्चा सिंघारा, मोती, कमल गट्टे की माला का खास महत्व है। दिवाली लक्ष्मी पूजन विधि के बारे में बात करें तो हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इस दिन सुबह से पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूरे घरों को रंगोली और दिए से सजाया जाता है और दिवाली की शाम और रात को शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश, माँ सरस्वती और कुबेर देवता की आराधना की जाती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए पूजन करने की परंपरा है। आइए जानते हैं दिवाली पर कैसे करें लक्ष्मी पूजा। दिवाली के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर और पूजा स्थल की साफ सफाई दोबारा से करें, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर का मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। शाम को पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, जहां माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर नए लक्ष्मी गणेश, भगवान कुबेर और माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें, जिसके बाद प्रतिमा के सामने कलश में जल भरकर और आम की पत्तियां लगाकर रखें। माँ लक्ष्मी और गणेश के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए सभी मूर्तियों पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मौली, जनेऊ, अक्षत, फूल, हल्दी और पुष्प अर्पित करते हुए माँ लक्ष्मी के स्मरण करें। देवी लक्ष्मी के स्मरण के बाद देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देवता की विधि विधान के साथ पूजा करें। दिवाली पर महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते समय घर पर मौजूद सभी सदस्यों को वहां एकत्रित होना आवश्यक माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजन के बाद घर की तिजोरी, बही खाते, पुस्तकों और व्यापारिक संसाधनों की भी पूजा करें। अंत में घर के हर हिस्से में घी और तेल का दीपक जलाकर घर को रोशन करें और सभी में प्रसाद बांटें। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।